गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को, गुड मॉर्निंग. बस एक मिनट. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कॉन्करर, श्वेता, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. बस एक स्लाइड मुझे देखना है, 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए. गुड मॉर्निंग प्रकाश, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. सबको गुड मॉर्निंग. लेजेंड, हाइड्रोजन, दीक्षा, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. चलो पहले तो बात कर लेते हैं बैच कैसे कैसे जाएगा. टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ वोकैब. नो इट्स नॉट, इफ यू रीड न्यूज़पेपर ना इट्स गुड, बट अगर न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते हो ना फिर भी आपका इंप्रूव हो जाएगा. पहले तो मेरी बात को ध्यान से सुनो. ये जो बैच है, ताकि बीच में ना क्वेश्चन वगैरह ना करे, आज से समुद्र मंथन बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, लंबा चलने वाला है समुद्र मंथन बैच, ठीक है. इसका 3.0 सीरीज है, तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला देखोगे तभी जाके आपको पार्ट 3 समझ में आएगा, ठीक है. आप सीधा पार्ट 3 से देखो. इस बैच को हम लोग कैसे करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डूइंग वोकैब थ्रू रूट वर्ड, क्योंकि ये जो बैच है ना इसको हमें हमें टारगेट करना है कि मेन्स मेन्स CHSL और CGL प्री नेक्स्ट ईयर का, ठीक है. वो कैब ना पहले, जब भी आपका एग्जाम होता है ना उसके 1-2 मंथ पहले, 1 मंथ पहले एटलीस्ट वो कैब खत्म कर लेना होता है, तभी तो हम प्रैक्टिस वगैरह करेंगे ना. हाँ, सब लोग अभी न्यू है, आज पहली क्लास है तो सब लोग न्यू है. तो हमें टारगेट करना क्या है ना कि इस बैच को एकदम मेंस के हिसाब से, मेंस आपका फरवरी लास्ट या मार्च में होगा, वैसे फरवरी लास्ट पता नहीं, देख लेना है. फरवरी लास्ट तो टाइम दिया है CHSL का, CHSL का फरवरी लास्ट हो सकता है. उनका प्री करवाने के बाद बीच में प्री जैसे हो जाता है तो CGL का मेंस करवा दे, ठीक है, मेंस करवा दे और फिर बाद में CHSL का सेकंड पेपर ले. चलो हम लोग फरवरी मान के ही चल रहे हैं. तो हमें क्या करना है ना, हमें वोकैब को रूट वर्ड के थ्रू भी करना है, हमें वोकैब को सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के वाला भी करना है. और हम लोग ना आपके शेड्यूल में ना लास्ट में कुछ बना होगा, लास्ट में फ्रेजल वर्ब और इडियम्स वगैरह दिखाएगा, लेकिन हमें नहीं करना है ऐसा. हमें क्या करना है ना, एक ही साथ ना सब लेकर चलना, तभी हमारा एग्जाम में, नहीं तो एग्जाम खत्म होने के बाद जब बाकी सारा चीज होने लगे तो कोई फायदा नहीं है. हम लोग साथ में फ्रेजल वर्ब भी करेंगे, तो इस बैच में ना थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना है, ओके. थोड़ा सा मेहनत, अभी आपको फ्रेजल वर्ब भी चलेंगे और हम लोग इडियम्स और वन वर्ड भी लेके चलेंगे, हम लोग सब लेके चलेंगे, होमोनिम्स वगैरह सब सब, तभी जाके हमारा एग्जाम में मतलब कुछ फायदा होगा. नहीं तो पहले हम रूट वर्ड करते रहेंगे, ये सब करते रहेंगे ना तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि आपका अभी आने वाले 2-3 महीना एग्जाम से भरा हुआ है, भर भर के एग्जाम से अगर हम लोग नहीं कम्प्लीट कर पाए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी. सब एक साथ होगा, ठीक है. और ये बैच चलेगा मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को, मंडे को, वेंसडे को, फ्राइडे को और ट्यूसडे को और थर्सडे को मेंस का बैच चलेगा, ठीक है. ट्यूसडे थर्सडे मेंस का बैच चलेगा और मेंस के बैच में एकदम नया कंटेंट होगा. कल मेंस का बैच शुरू हो रहा है, कल 13 तारीख है ना, कल मेंस का बैच शुरू है, आज से तो समुद्र मंथन है. आप मेंस के बच्चे मेंस के बैच में आएंगे, आप खुद फील करोगे कि मैम ने तो इस बार नया कंटेंट बनाया है पूरा. एरर पूछने का ना, हम पुराना वाला एरर पूछने का तरीका भी करेंगे, हम नए वाले एरर का भी तरीका करेंगे, ठीक है. पुराना एरर जो ABCD वाला होता है वो भी करेंगे, और जो 5 सेंटेंस दिया रहता है ना, 4 सेंटेंस, उसमें से ना चारों सेंटेंस पढ़ के पता लगाना है कि कौन सा करेक्ट है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो कुछ तो ऐसा ऐसा करेंगे ना. ये भी करेंगे बारी बारी से, हम पुराना वाला पैटर्न भी करेंगे और 5-4 सेंटेंस देंगे दूंगी, उसमें से आपको पता करना है कि कौन सा करेक्ट है. एरर का हम 3 पैटर्न फॉलो करेंगे, एक तो जैसा हमारा नॉर्मल आता है, और दूसरा जो 4 बड़े बड़े सेंटेंस है, मतलब 4 सेंटेंस रहेंगे और आपको सेंटेंस में पता करना है कि कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है. और तीसरा ना हम ये भी पैटर्न करेंगे, कभी कभी ऐसा वाला जो ऑप्शन आता है ना, A B B C, बी और सी दोनों हो सकता है, नीदर ए नॉर बी, ऐसा ऐसा जो आता है, क्योंकि हम इसकी भी प्रैक्टिस करते चलेंगे, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो लगेगा ना थोड़ा तो घुमाएंगे, ओके. तो ये सब वाला भी करेंगे, नीदर ए नॉर बी, वन और ए और बी, बोथ ए एंड बी, ऐसा ऐसा भी करके जाना है. इसके अलावा ना कोई दूसरा पैटर्न नहीं आएगा, ठीक है. एक नॉर्मल पैटर्न भी आएगा, मतलब कोई दूसरा पैटर्न नहीं आएगा. ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इनको बैंक का पैटर्न चुराने का मन हो, बैंकिंग एग्जाम का, तो यही चुराएंगे, और कुछ नहीं आएगा. इसके बाद यहाँ से करके जाओगे ना तो एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो ना तो फिर भी आप कर लोगे. ये मेंस के बैच में होगा, ठीक है. और मेंस का जो बैच है उसमें तो एरर, पहले पहले मैं आपको एक पैसेज करवाऊंगी मेंस के बैच में, फिर क्लोज टेस्ट. हाँ, एक पैसेज पहले वाले बैचेस में ना, क्लोज टेस्ट का मैं 3-3, 4-4 क्लोज टेस्ट करवाती थी, अब उतना जरूरत नहीं है, इतना कर लो. एक क्लोज टेस्ट, एक पैसेज, 5 PQRS, 5 PQRS और एरर्स, एरर्स
थोड़ा मेंस के बैच में, और लास्ट में वोकैब। अब ना वोकैब का बहुत सारे जो बच्चे मुझसे वोकैब पढ़ चुके हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है ना जो आपने रट्टा लगा लिया है, खास करके मेंस के बच्चे, बहुत सारे ऐसा है कि वर्ड रट्टा लगा लिया है। तो मैं कोशिश करूंगी ना वोकैब में, खास करके मेंस बैच में ना, थोड़ा सा अननोन, अननोन मतलब वो थोड़ा सा हटके वाला वर्ड्स लाऊं, ठीक है? क्योंकि इजी इजी वाला, अब ये सब ना प्री बैच में तो ये सब भी करेंगे, बट मेंस के बैच में ये जो कॉन्ग्रिगेशन है, अड्रॉइट है, ये सब तो आपने रट लिया है, ये सब तो सब रट लिया है। थोड़ा सा अलग अलग, मतलब हर एग्जाम में ना दो चार वर्ड्स अलग आ जाता है, तो हम वो वाला करेंगे, वो क्या थोड़ा मेन स्टाइल वाला करेंगे, ठीक है? तो अब कुछ पूछना नहीं है ना, कुछ पूछना नहीं है, स्टार्ट किया जाए। हाँ, समुद्र मंथन का बैच मंडे को चलेगा, वेंसडे को चलेगा और फ्राइडे को, और मेंस का ट्यूसडे को चलेगा और थर्सडे को। और मेंस वाले बैच बच्चों को एक रिक्वेस्ट है कि इस बार मेंस का सिलेक्शन सबसे ज्यादा होने वाला है जो सेल्फ स्टडी करेगा, दिन रात बैच नहीं करेगा, जो सेल्फ स्टडी करेगा। पहले क्या था, टीचर के साथ आके मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश कर लेते थे, अब तो जीएस वगैरह है ना, असली स्कोर जो सेल्फ स्टडी करेगा उसी का बहुत ज्यादा हो, ठीक है? वो क्या, आपका शीट वगैरह मैं कर दूंगी। हाँ, सेफ कट ऑफ वट ऑफ छोड़ो, अब चलो स्टार्ट किया जाए। कुछ कुछ वर्ड्स एज इट इज है, ठीक है? समुद्र मंथन में कुछ वर्ड एज इट इज है, और इस साल जो नया नया वर्ड आया है ना, कुछ जगह मैंने ऐड कर दिया, ठीक है? कुछ कुछ जगह ऐड कर दिया। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर वो कैप का ही करें। तो समुद्र मंथन का पहला वर्ड जो हमारा था वो था, नहीं पहले तो हम रूट वर्ड करेंगे। रूट वर्ड तो सबको पता है, रूट वर्ड से हम वो कैप सीखेंगे, ठीक है? तो पहला हम दो रूट करेंगे। आज का पहला रूट है फिड, फिड फिड। पहले हम वोकैबुलरी को रूट वर्ड से करेंगे, उसके बाद निमोनिक से करेंगे। नहीं है कोई ब्लैक ग्रीन रेड बुक लेने की जरूरत नहीं है, ये सब लेने की जरूरत नहीं है। आप इतना पढ़ो ना, इतना ज्यादा है कि पढ़ पढ़ के थक जाओगे, वो सब जरूरत नहीं है। व्हाइट ग्रीन येलो कुछ लेने की जरूरत नहीं है। कॉपी खरीद के नोट्स बनाएंगे तो और बेस्ट है, क्योंकि नोट्स बनाते समय क्या होता है, जब भी आप नोट्स बनाते हो ना, तो आपका जो स्पेलिंग एरर वाला जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है? वो भी सॉल्व हो जाता है। ब्लैक बुक से ना 10 गुना ज्यादा है समुद्र मंथन। हाँ, फिड, ये जो फिड वर्ड है ना, ये फिड एक रूट वर्ड है, फिड से बहुत सारे मैं वर्ड्स बनाऊंगी। ये फिड वर्ड कहाँ से निकल के आया है? फिडो से, फिडो वर्ड से निकल के फिड आया। फिडो कौन है? फिडो इज द नेम ऑफ अ डॉग, फिडो डॉग का नाम है। और डॉग किस लिए जाना जाता है? डॉग इज अ वेरी फेथफुल एनिमल, डॉग अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है, डॉग पे हम भरोसा कर सकते हैं, बहुत वफादार होता है। तो फिड वर्ड का मतलब ही होता है फेथ, भरोसा, ओके? किसी पे भरोसा करना। तो फिड वर्ड से जितने भी वर्ड निकल के आएंगे ना, वो सब भरोसा के सेंस में होगा। लेकिन ये भी याद रखना है, भरोसेमंद भी हो सकता है और गद्दार भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा फिडिलिटी, अभी बस अभी लिखना नहीं, फिडिलिटी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस फिडिलिटी का मतलब क्या है, तो आपको इतना देख के तो समझ में आएगा ना, फिड, फिड का मतलब ही है ट्रस्ट, ट्रस्ट फेथ बिलीफ से। तो फिडिलिटी का मतलब होता है वफादारी, फेथफुलनेस, फेथफुलनेस, फेथफुलनेस। अब मैंने इसी में लगा दिया इनफिडिलिटी, ठीक है? और रूट वर्ड में इन का मतलब होता है नो, और फिड का मतलब होता है फेथ, नो फेथ, आपको किसी पे भरोसा नहीं है, तो वो क्या है, वो गद्दार आदमी है, तो ये उसका उल्टा हो गया, डिसलॉयल्टी, फेथलेसनेस, ठीक है? तो इसी सेंस में हमें करना है, अभी लिखना नहीं, जब मैं बोलूंगी तब लिखना। फिडिलिटी, जैसे आपका परफिडी वर्ड आ गया, परफिडी, अब इस वर्ड परफिडी आ गया या परफिडियस आ गया, अभी लिखिए नहीं, पहले समझिए। देखो वो क्या, आप तो बहुत सारे बुक में ना मिल ही जाएगा, लेकिन इतना सारा बुक में होने के बावजूद भी, इतना ज्यादा मटेरियल हो, फिर भी आपको वोकैब याद नहीं होता है, इसलिए कि आपको अपने से याद करने का मन नहीं करता है। तो समुद्र मंथन बैच का एक ही एम है ना, कि करीब 60% तो बच्चों को क्लास में याद हो जाए, 40 अपना रट्टा वट्टा लगाएंगे, ऐसे तो बहुत ज्यादा मिल ही जाता है। यहाँ भी फिड वर्ड है, फिड, और फिड वर्ड भरोसा से रिलेटेड है, ठीक है? फिड वर्ड भरोसा से रिलेटेड है, तो या तो ये भरोसेमंद हो सकता है या गद्दार हो सकता है, ये नाउन फॉर्म में है और ये एडजेक्टिव। तो परफिडी का मतलब भी होता है गद्दार, 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 डिसलॉयल्टी के सेंस, फिड, फिड, जैसे ऐसा वर्ड है, अभी लिखना कुछ भी नहीं, अभी लिखा है कॉन्फिडेंट, यहाँ भी फिड है, जिसको अपने आप पे ट्रस्ट है वो कॉन्फिडेंट है। और इसी का उल्टा लिखा मैंने डिफिडेंट, 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 इसमें भी फिड वर्ड है, कॉन्फिडेंट का उल्टा डिफिडेंट, जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है, और कॉन्फिडेंट इज जिसको अपने आप पे भरोसा है। तो यही सब रूट वर्ड है, ठीक है? और अब अलग अलग मैं कुछ कुछ लिखूंगी, आप भी लिखोगे। तो पहला पहला हमारा रूट वर्ड का वर्ड है फिड, फिड का मतलब भी होता है ट्रस्ट और भरोसा, फिडिलिटी का मतलब होता है वफादारी, किसी पे आपको वफादार मतलब भरोसा है, और इन का मतलब है नो, नो, हिंदी ना अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं, ऑप्शन हिंदी में नहीं लिखना है, मतलब इंग्लिश में ही याद करना है।
ओके। और इनफिडिलिटी का मतलब होता है गद्दारी, गद्दारी, ठीक है, डिसलॉयल्टी। उसी तरह पर, अब आप क्या करोगे, आप कॉपी निकालो, आप कॉपी निकालोगे, इसके नीचे लिखोगे, अब लिखो आप, हम फिडिलिटी, फिडिलिटी का एक ही वर्ड एग्जाम में नहीं आएगा ना, फिडिलिटी नाउन है, फिडिलिटी का मतलब होता है वफादारी, किसी पे वफादारी निभाना। अब इसका सिनोनिम्स में ऐसा तो नहीं है कि हमेशा फेथफुलनेस ही आएगा, फेथफुलनेस मतलब वफादारी निभाना, और भी आ सकता है, चलिए बताइए जो पढ़ चुके हैं, फेथफुलनेस आप लिख सकते हो, लॉयल मत लिखना क्योंकि लॉयल एडजेक्टिव है, अगर कोई वाक्य नाउन, वर्ड कोई नाउन में है ना, तो आपको भी नाउन लगाना, लॉयल्टी क्या है, लॉयल्टी, लॉयल्टी। और क्या क्या हो सकता है, फिडिलिटी, लॉयल्टी, हाँ अब लिखो होमेज, अभी मैं सबको याद करने का तरीका बताती हूँ, होमेज करना, ऑनेस्टी भी है, होमेज। और इसका एक बहुत अच्छा वर्ड है फीएल्टी, इसका एक बहुत अच्छा वर्ड है ओबीजेंस, और इसका एक वफादारी के अलावा ना, मतलब ये सब वर्ड के अलावा कोई दूसरा वर्ड आएगा ही नहीं, एलिजियंस, एलिजियंस, कॉन्स्टेंसी, लिखिए इसको कॉन्स्टेंसी, हाँ एलिजियंस, कॉन्स्टेंसी, ड्यूटीफुलनेस, सपोर्टर मतलब अलग है, सपोर्टर तो गलत चीज का भी सपोर्ट कर दो, हाँ ये सारे नाउन है, सारे नाउन। अपराइट अलग है, अपराइट का मतलब वफादारी थोड़ी होता है, अपराइट लोग वो होते हैं ना जो बहुत एथिकल होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी गोज इन सेंस ऑफ लॉयल्टी, लॉयल्टी, चलो अब इसको, हाँ ये लिखो, और इसका एंटोनिम जब भी आएगा ना, एंटोनिम में आ जाएगा डिसलॉयल्टी, डिसलॉयल्टी आएगा, वफादारी नहीं है, फेथलेसनेस आएगा, फेथलेसनेस आएगा, और इसमें फिडिलिटी लिखा है ना, इनफिडिलिटी आएगा, इनफिडिलिटी, और दूसरा आएगा ट्रीजन, ट्रीजन, तीसरा आएगा ट्रेचरी, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड आएगा ही, डिसीट, बिट्रेयल, बिट्रेयल लिखो, और यहां पे एक और वर्ड लिख रही हूँ सेडिशन, पहले आप उसको लिखिए, सेडिशन, हाँ नोट कर लिया है, नहीं, नए स्टूडेंट्स को भी लिखने दीजिए, पुराने वाले कुछ बच्चे होंगे ना, लिख लिया है तो बस, मैंने लिख लिया, नए स्टूडेंट्स को लिखने दो, समंदर मंथन के बाद कोई बुक करने की जरूरत ही नहीं, ये मेंस के लिए, प्री के लिए, कहीं से भी वर्ड उठा के दे आपका हो जाएगा। हो गया है, हाँ तो चलो अब इसको, ये वर्ड आपके पास आया फिड, वफादारी और गद्दारी से रिलेटेड ना कोई दूसरा वर्ड नहीं है, एक गद्दार, अच्छा चलो पहले ये लिखो, लिखो ये, अब फिर फेथफुलनेस, लॉयल्टी, सही है, होमेज को कैसे याद करोगे, लॉयल्टी तो सबको पता है ना, सबको पता है लॉयल्टी, होमेज को कैसे याद करो, होमेज का मतलब भी होता है वफादारी, चलो इसको याद करने का टेक्निक बताओ, यू पे होमेज टू, होमेज का मतलब होम, होम मदरलैंड, होम अपने घर के प्रति, सब लोग क्या है, हम अपने घर के प्रति लॉयल रहते हैं, घर के प्रति, अपने घर, हमारा कंट्री भी तो एक घर है, उसके प्रति हम वफादार रहते हैं, होमेज बताना मतलब रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। और ओबीजेंस कैसे याद रखोगे, ओबीजेंस को याद कर लो, ओबे, ओबे वर्ड से बना, ओबे, ओबे करना मतलब आज्ञा का पालन कर रहे हो, कोई चीज, किसी चीज का आज्ञा का पालन आप बहुत दिनों से किए जा रहे हो, मतलब आप उस चीज के प्रति वफादार हो, किसी चीज के प्रति आप वफादारी निभाते हो, तभी तो उसकी बात मानते हो, ओबीडियंट हो, ओबे से याद कर लो, ओबीडियंट है मतलब बहुत ड्यूटीफुल है, और ड्यूटी, अपनी ड्यूटी निभाता है, कंट्री के प्रति वफादार है तभी तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, ये भी कर लोगे ड्यूटी। और हाँ एलिजियंस तो आपको याद, अच्छा पहले ये कर लेते हैं, कॉन्स्टेंसी कैसे याद रखेंगे, कॉन्स्टेंसी को याद रखो, कॉन्स्टेंट है, कुछ लोग होते हैं ना तुरंत तुरंत अपनी पार्टी बदलते रहते हैं, बट ये तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है मतलब एक ही जगह टिका हुआ है, कॉन्स्टेंट है, एक ही जगह टिका हुआ है, एक ही पार्टी के प्रति वफादारी निभा रहा है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट, ओके okay, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, एकदम कांस्टेंट है, उतार चढ़ाव इसके लाइफ में नहीं है, एकदम एक ही जगह टिका हुआ है। और हाँ अब आपको ये बाकी सब तो याद हो गया, अब आपको याद करना एलिजियंस वर्ड तो सुना होगा, ओके okay, देखिए इसको कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड होता है एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब है अलग है, ये अलग है, एलिगेशन का मतलब है किसी पे चार्जेस लगाना, किसी पे दोष लगाना, लेकिन एलिजियंस को, आई ओ माई एलिजियंस टू माई कंट्री, एलिजियंस का मतलब है, एलिगेशन अलग है,
लेकिन एलिजियंस, आप कंट्री के प्रति, लॉयल्टी तो आप किसी के प्रति भी हो सकते हो, कोई रिलेशन में भी लॉयल हो सकते हो, बट अपनी कंट्री के प्रति जो लॉयल होता है ना, उसको हम एलिजियंस बोलते हैं, एलिजियंस टुवर्ड्स वंस कंट्री कंट्री। इसको आप अलाई वर्ड से याद कर सकते हो, अलाई, अलाई का मतलब होता है सपोर्टर। एलिगेशन से मत याद करना, इसी के जैसा लगेगा ये। अलाइज का मतलब सपोर्टर, कंट्री का सपोर्टर है। पहले का मतलब तो शांत करना होगी। पार्ट वन मैंने क्या बोला है भाई, पार्ट वन पार्ट टू नहीं करना है, सीधा पार्ट थ्री करना है। तो ये आपका पूरा वफादारी वाला हो गया। अब वफादारी का उल्टा क्या है? गद्दारी, डिसलॉयल्टी, फेथलेसनेस। और फिडिलिटी का मतलब वफादारी, और इन लगा दिया, इन का मतलब रूट वर्ड में नो होता है, इनफिडिलिटी इज गद्दारी। हाँ, एक वर्ड आपको याद करना है, नोट डाल के लिख लो, ये वर्ड लिख लो, रेनीगेड, रेनीगेड लिख लो। और एक ये वाला आया एग्जाम में, इनफिडल, इनफिडल, इनका मतलब है नो। ये भी नाउन है, बट उस गद्दार को बोलते हैं। ये तो उसकी क्वालिटी है गद्दारी वाली, बट ये पर्सन, उस पर्सन को, पर्सन हु इज डिसलॉयल, उस पर्सन को बोलते हैं जो गद्दार है, ठीक है। इनफिडल, इनफिडल कॉमन नाउन है, और इनफिडिलिटी भाववाचक संज्ञा है। और रेनीगेड वर्ड याद रखो, रेनीगेड का मतलब भी होता है गद्दार, लिख लेना इसको, गद्दार। ये सब वर्ड्स आपको, और कल मैं पूछ, कल नहीं परसों मैं पूछती हूँ ना, कल मैं आपको, हाँ, रेनी ने गेट तोड़कर घुस गया, गद्दार है। ये सब हो गया। और डिसीट, डिसीट को कैसे याद रखोगे? डिसीट को याद रखना है डिसीव, डिसीव का मतलब है धोखा देना, किसी को धोखा देना, ठीक है, धोखा देना, डिसीट करना, धोखेबाज, ये याद हो गया। अब मुझे बताओ कि ये ट्रीजन कैसे याद रखोगे? ट्रीजन वर्ड या ट्रेचरी वर्ड, ये भी तो ट्रेच उसी के, ट्रीजन, ट्रीजन, ट्रेजरी, बहुत गद्दार है, बहुत गद्दार है, सारा ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब है सारा खजाना लूट लिया, ठीक है। ट्रीजन, ट्रीजन को याद रखो, ट्रेजर, ट्रेजर है सारा गद्दार आदमी, सारा खजाना वगैरह लूट लिया, जो टेंशन देते हैं वो गद्दार है। अच्छा, ऐसे भी याद रखोगे, ट्रीजन। हाँ, आप लोग तो स्मार्ट हो भाई। देखो, जो मन आ रहा है ना बनाओ, क्योंकि हर समुद्र मंथन में नए नए स्टूडेंट आते हैं, ये बोल रहे हैं मैम ट्रेजर से याद कर सकते हैं, ट्रेजर जो खजाना लूट लिया, गद्दार है, दूसरा ट्रेजर चुरा लिया, इसके पास ना कोई रीजन नहीं है, रीजन, रीजन, इसके पास कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है अपनी गलती का जवाब देने का, इसके पास कोई कारण नहीं है। अगर ये एथिकल होता, सिद्धांतवादी होता, तो ये कुछ कारण बताता ना, इसके पास कोई कारण वगैरह नहीं है, गद्दार है। और बोलते जाओ, बोलते जाओ, त्रिशा, नहीं नहीं त्रिशा एग्जाम में ना ये सब नहीं आता है, त्रिशा का नाम नहीं याद आएगा, ट्रीजन। कभी कभी ना ये सन लोग भी गद्दार होते हैं, पेरेंट्स के साथ गद्दारी कर देते हैं, सन लोग, तेरा सन गद्दार है, याद रहे, कितना सारा करो, टेंशन, ट्रीजन, टेंशन, उसने अपनी गद्दारी से मुझे टेंशन दिया, उसके पास कोई रीजन नहीं है अपनी गलती का, कोई रीजन बताना, उसके पास कोई रीजन नहीं है, गद्दार है। ये सन लोग भी कभी कभी, हाँ, गद्दार होते। लेकिन एक और होता है, देखो, एक वर्ड होता है पार्टी सन, ये तो अलग है, पार्टी का सन है, ये तो वफादार है, पार्टी का सन है, वफादार है, ट्रीजन इज गद्दार। अरे डॉटर, इन लोग गद्दार नहीं होते हैं, याद करने के लिए बोल रही हूँ, इतना दिल से नहीं ले लेना है, ओके। तो जब ये आपके दिमाग में आएगा, तो एग्जाम में कुछ तो क्लिक करेगा ना, टेंशन दे रहा है, ट्रेजर वाला, उसने सारा खजाना चुरा लिया, गद्दार है, उसके पास कोई कारण नहीं है, गद्दारी निभा रहा है, ये सन लोग गद्दार होते हैं, उसने गद्दारी करके मुझे टेंशन दे दिया, कुछ तो याद है, दिल पे नहीं ले लेना है, दिल पे बहुत ज्यादा नहीं ले लेना है किसी भी चीज को। और एक है सेडिशन, ये वर्ड आपको न्यूज़पेपर में अक्सर मिलता है, ठीक है, ये वर्ड आपको अक्सर न्यूज़पेपर, और ना हमेशा खुश होके वो क्या आपको पढ़िए, एकदम दुखी होके नहीं पढ़ना है। सेडिशन का आपने वो सब लॉ वगैरह भी पढ़ा होगा ना, सेडिशन लॉ में, हाँ, सेडिशन का मतलब है देशद्रोह, सेडिशन लॉ आपने पॉलिटी वगैरह में पढ़ा होगा, देशद्रोही को बोलते हैं, वो जो कन्हैया वाला केस आया था, कन्हैया को सेडिशन के इल्जाम में उसको अरेस्ट किया गया था, सेडिशन के चार्जेस, तो सेडिशन का मतलब भी होता है देशद्रोही, देशद्रोही, देश निकाला थोड़ी होता है, सीड ग्रो नहीं हुआ, गद्दार निकला। अरे ये तो आपने पॉलिटी में पढ़ा है, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा है, ओके, सेडिशन, सेडिशन पॉलिटी में पढ़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है गद्दारी के। एक वर्ड लिख लो, एक वर्ड लिखो, क्विजलिंग, लिखिए आप कॉपी में, लिखते जाइए, क्विजलिंग, ये जो क्विजलिंग लोग होते हैं ना, ये भी गद्दार होते हैं,
क्विजलिंग, क्विजलिंग ये भी रेनीगेट होते हैं, ट्रेटर गद्दार है, हाँ ट्रेचरी, गद्दार गद्दार के सेंस में, अगेंस्ट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के खिलाफ जो अनट्रस्ट वर्दी है, जो क्विजलिंग वर्ड लिख लेना कॉपी में। अब क्विजलिंग को कैसे याद रखोगे, याद भी तो करवाना होगा। ट्रेचरी और ट्रीजन एक जैसा लग रहा है, बिट्रे बिट्रे तो कर लोगे, उसने मुझे बिट्रे किया, बिट्रे वर्ड तो उसने मुझे धोखा दिया, बिट्रे किया बिट्रेयल, ये तो कर लोगे धोखा। हाँ क्विजलिंग वर्ड कैसे याद रखोगे, क्विजलिंग क्विज में चीटिंग करता है, गद्दार है। अन अकेडमी जो क्विज देता है ना खेलने के लिए, अन अकेडमी आपको क्विज है, ये क्विज खेलो तो आपका और भी पॉइंट्स मिलेंगे, तो आपका फीस और भी कम हो जाएगा, तो ये क्विज ने क्विज में चीटिंग किया, क्विज में चीटिंग किया है, क्विज में पार्टिसिपेट नहीं किया, चीटिंग किया, क्विज धोखा देता है। चलो ठीक है, तो धोखा का ना सारा वर्ड्स आपको याद हो गया। चलो इसी बात पे, मुझे इसी बात पे, क्योंकि मैं आपके कान में बार बार इस चीज को डालूंगी ना, कान में बार बार डालूंगी तभी याद होगा, थोड़ा टाइम लग जाए, नहीं तो मैं ना आके पढ़ा के फटाफट अपना जल्दी जल्दी बदल के स्लाइड वगैरह करते जाऊं, लेकिन वैसे याद नहीं होता है। इस बैच का मेन मकसद है याद करवाना। चलो मेरे को बताओ, आपके एग्जाम में ये वर्ड आया, ये वर्ड आएगा तो क्या लगेगा, ये देख के क्या लगेगा, फिड आएगा ना, फिड फिड, अरे फिड मतलब फिडो, फिडो डॉगी है, तो ये लॉयल हो गया, लॉयल्टी हो गया, ठीक है लॉयल्टी। अब अभी मैंने 2-3 मिनट पहले सारे वर्ड्स बताए, तो अब मुझे बताओ क्या क्या, लॉयल्टी और ये फिडिलिटी की तरह, फिडिलिटी की तरह ही तो ये वर्ड है, फीएलटी, फीएलटी इसी की तरह लग रहा है, एलिजियंस, एलिगेशन, एलिजियंस वफादारी और होमेज, वेरी गुड, अपने होम के प्रति वफादार रहना और ड्यूटी निभाना, ड्यूटीफुल और कांस्टेंट रहना, कांस्टेंट, आपको 30% वर्ड ना यहीं पे याद हो जाएगा, कांस्टेंसी निभाना और बोलते जाइए, लेजिटिमेट तो लीगल हो गया, ओबे करना, वफादारी निभाना, ओबीजेंस, ठीक है अपना ओबीजेंस निभाना, एलिजेंस, चलो ये याद। और गद्दार के कुछ वर्ड्स बता दीजिए, ड्यूटीफुलनेस, हाँ गद्दार के वफादारी है तो गद्दारी हो गया, गद्दारी में इनफिडिलिटी डाल देना, इनफिडिलिटी, डिसलॉयल्टी, ये सब तो सबको पता है, हमें वही वर्ड याद करना है। सेडिशन का चार्जेस लगाया गया, सेडिशन चार्जेस, देशद्रोह का चार्ज, रेनीगेट भी डाल देना, रेनीगेट का मतलब भी है गद्दार। परफिडी याद रखना, परफिडी में भी, परफिडी में भी फिड वर्ड है, गद्दारी के सेंस में परफिडी भी है। क्विजलिंग, क्विज ने में उसने मेरे को धोखा दिया, क्विज में धोखा दिया है, और वो सब याद कर लेना, ट्रेजरी चुरा लिया, धोखा दिया, ट्रेजरी, चलो ये सब तो हो गया, बिट्रेयल हो गया, डिसीव किया, कल मैं सब पूछ, परसों सब पूछूंगी, इसको पढ़ के आना, हर दिन पढ़ोगे तो फिर दिक्कत नहीं है, क्विजलिंग में ऐसा होता है। तो ये परफिडी बता दिया, परफिडी का मतलब है धोखा, ठीक है। और कॉन्फिडेंट, जिसको अपने आप पे भरोसा है, कॉन्फिडेंट लोग है जो किसी से डरते नहीं है, बहुत कन्विंस्ड है, बोल्ड है, ये तो सबको पता है, ड्यूप वाला अलग से करेंगे। जितना ज्यादा लिखोगे ना टाइप कर करके, इधर उधर ना कमेंट मत करो, सिर्फ क्या करो ना आपको पता भी नहीं चलेगा, क्लास के दौरान अपना टाइप कर करके ना वर्ड सबको भेजो, जल्दी जल्दी टाइप कर करके वर्ड को भेजो, इससे क्या होगा, टाइपिंग में स्पेलिंग भी सुधरेगा और आपका रिविजन भी होते रहेगा, और इधर उधर की बातें नहीं करना है, वो करना है, ये करना है, ये सब नहीं पूछे कुछ भी, क्विजलिंग ये तो हो गया आपका। हाँ अब आ जाओ डिफिडेंट, डिफिडेंट लिखिए, डिफिडेंट मतलब जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंट का उल्टा डिफिडेंट, जो लोग बहुत शर्मीले हैं, हेजिटेंट है, हेजिटेंट का मतलब क्या है, हेजिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना किसी चीज से, अनविलिंग होना, कोई काम करने के लिए हिचकिचाना, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो, अनविलिंग होना, रिलक्टेंट होना, लिखते जाइए, ऐसे लोग ना बहुत कॉय होते हैं, लिखते जाओ, बहुत शीपिश होते हैं, ठीक है पहले आप इसको लिखिए, मेन मेन लिखिए, होमेज, होमेज तो बताया है ना, होमेज का मतलब है अपने घर के प्रति वफादार रहना, पहले ये सब लिख लो, और भी मैं अलग से करवाऊंगी। डिफिडेंट लोग ना शर्मीले लोग होते हैं, कॉय है, कॉय का मतलब, कॉय को क्या रखो, काऊ से याद कर लो, काऊ बोलते हैं ना, अरे ये तो गाय है, ये तो गाय है, तो सीधा साधा आदमी, ओके मतलब बहुत शर्मीला है, गाय की तरह है, बहुत गाय है, और शीप, शीप आपने ऐसा पढ़ा होगा, एज जेंटल एज शीप, ये जो भेड़ वगैरह होते हैं ना बहुत सीधे साधे होते हैं, इसी वर्ड से बना है ना भेड़ चाल, भेड़ चाल में वही लोग चलते हैं ना जो अपना दिमाग नहीं यूज करते, सीधे साधे लोग हैं, जहां सब जा रहा है वो भी जा रहे हैं, जिस शॉप में भीड़ है ना वो भी चले जाएंगे, भले अच्छा मिले चाहे नहीं, तो उसी वैसे ही लोग को ना बहुत थोड़े से सीधे साधे लोग होते हैं, शर्मीले शिपिश बोलते हैं, हम्बल अलग है, हम्बल अलग हो, रिलक्टेंट वर्ड याद रखो, हेजिटेंट तो पता है, हेजिटेशन होना मतलब हिचकिचाहट होना, किसी काम को करने के लिए अनविलिंग होना, रिलक्टेंट वर्ड कैसे याद रखोगे, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब भी, माउजी, भी माउजी इज डरपोक, डरपोक और शर्मिला में डिफरेंस,
रिलक्टेंट, बताओ कैसे याद रखोगे। और एक डेमोर वर्ड बहुत बार एग्जाम में है, डेमोर, ये दोनों वर्ड याद रखना। चलो बताओ, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब भी होता है हिचकिचाना, तो कैसे याद करोगे? वो तो चलो बताओ, रिलक्टेंट का कुछ निमोनिक अच्छा वाला, रील बनाते समय शर्माता है। रील, रील से अनविलिंग इजी, अनविलिंग इजी है तो ये मत सोचना कि राइट एनी फोर सिनोनिम्स ऑफ डेफिडेंट, और आपको जो इजी इजी वाला चार आता है ना वो लिख के आ जाओगे, ऐसा थोड़ी होगा, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। रिलक्टेंट है, बताओ, टेंट लगाने में हिचकिचा रहा है। अच्छा, टेंट लगाने में हिचकिचा रहा है, रील बनाने में हिचकिचा रहा है, उसका लक खराब है, लक, उसका लक ना अभी साथ नहीं दे रहा है, इसलिए हिचकिचा रहा है कि काम करूं या ना करूं। रील से याद हो जाएगा। हाँ, रिलक्टेंट, रिलक, अटक अटक कर काम कर रहा है, लक खराब चल रहा है, टेंट में क्या है, टेंट में खाने से शर्मा रहा है। चलो आप मुझे बताओ, डेम्योर कैसे याद रखोगे? ये बहुत बार आया, डेम्योर लोग होते हैं ना शर्मीले, डेम्योर कैसे याद रहेगा? डेम्योर को तैमूर से याद करो, तैमूर शर्मीला है। डेम्योर, DEM, तैमूर से याद रखोगे, तैमूर शर्मीला तो नहीं है। डेमो क्लास में जाने से शर्मा रहा है, अच्छा, डेम्योर, डेमो, डेमो लेने से शर्म, डेमो देने से शर्मा रहा है, लेने में तो डेमो सब ले लेते हैं, डेमो देने में शर्मा रहा है। कभी कभी आप जाते हो ना तो बोला जाता है कि चलो डेमो दीजिए, तो आप हिचकिचाने लगते हो कि आज तो मेरी पहली क्लास है, कैसे मैं डेमो दूं, क्या करूं, थोड़ा शर्माने लगते हैं, डेमो देने में शर्मा रहा है। ठीक है, मोर शर्मा रहा है, ये सब याद नहीं आता है, डेमो क्लास में ना, डेमो क्लास में शर्मा रहा है, और तैमूर बिल्कुल भी शर्मीला नहीं है, टेंट में रील बनाने से शर्मा रहा है। चलो ये वाला शर्मीला का हो गया, कुछ भी वर्ड आ सकता है शर्मीला का अलग से। बोनाफाइड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट तो आपने सुना होगा, बोनाफाइड में आपको क्या वर्ड भी थी, फिड, और एक वर्ड आता है मैलाफाइड, मैल वाला वर्ड ना, जैसे मैल न्यूट्रिशन होता है, मैल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, तो मैल का मतलब भी होता है बैड, और फिड का मतलब है ट्रस्ट, बैड ट्रस्ट मतलब जिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, मैल का मतलब ही है खराब, अनट्रस्टवर्दी, अनट्रस्टवर्दी का मतलब है नकली, फॉल्स, और ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स होता है ना, प्रमाणित, जो वेरीफाइड है, बोनाफाइड है मतलब जो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है, जिसपे आप भरोसा कर सकते हो, जेन्युइन है, जेन्युइन है। तो चलो इसी बात पे आप लिख लिया जाए इसका भी, ठीक है, बोना, बोना ऑफ पॉजिटिव है, बोनाफाइड का मतलब होता है, बताते जाइए, ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी मतलब जिसपे आप भरोसा कर सकते हो, जो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक वर्ड तो सुना है, जो जेन्युइन है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक, जेन्युइन, और बताइए। अक्रेडिटेड, देखो अक्रेडिटेड, अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी, क्रीड का मतलब भी है भरोसा करना, जो मान्यता प्राप्त है, अक्रेडिटेड, क्री वाला भी जो रियल है, जो रियल है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। और एक एक बहुत खूबसूरत वर्ड याद करिए यहाँ पे नोट डाल के, ये हर एग्जाम के एक ना एक सेट में आता है, जो प्रमाणित है, जो सच है, एक वर्ड याद कर लो, वेरिटी, या वर्ड याद कर लो वेरासिटी, या वर्ड कर लो वेराशियस, 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 ये सब वर्ड याद रखना, वोराशियस नहीं होगा, ठीक है ना, ना स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करवाओ, मूवी 3 घंटे का देख लेते हो तो आप कंफ्यूज ही नहीं होते, अगर मैं स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करवाऊंगी ना तो आपका बहुत सारा एग्जाम निकल जाएगा, 3 घंटे की मूवी में इनको थकावट नहीं होता है, पता नहीं जैकलिन इसको डेट कर रही है, जैकलिन इसके प्रति सिंसियर है कि जैकलिन इसके प्रति सिंसियर है, अब देखना होगा मूवी में कितना दिमाग लगता है, ठीक है, असली में इसको हीरोइन है या इसको बेवकूफ बना रही है, फिर वो वेलकम, वो समय कितना दिमाग लग जाता है आपका, तो लगाओ यहाँ भी, ठीक है। वरासिटी, वर वर्ड का मतलब ही होता है ना सच्चाई से रिलेटेड, दृश्यम में भी, हाँ, वर का मतलब ही होता है ट्रस्ट, एक वर वर्ड है VER, ये भी ट्रस्ट से रिलेटेड है, वर, इसका मैं अलग से करवाऊंगी, तो वर वर्ड है VER, वेरासिटी, बस ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, बट ये भी सच्चाई के सेंस में, सबका मतलब होता है ट्रुथ, 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 वेरिटी हो या वेरिटेबल हो, ठीक है, वर वर्ड भी लिख लो, वर वर्ड भी ट्रस्ट से रिलेटेड है, वेरिटी नाउन है, वेरिटेबल एडजेक्टिव है, वेरासिटी नाउन है, वेराशियस एडजेक्टिव है। नहीं, जैकलिन मेरी फेवरेट नहीं है, लेकिन मैंने ना जैकलिन वाले मूवी में खास करके देखती हूँ, चार हीरो रहता है, चार हीरोइन रहता है जैकलिन वाली मूवी में, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, तो ये सब लिख लीजिए और कंफ्यूज मत होना। एक वर्ड होता है वोर, वोर वर्ड रिलेटेड है खाने पीने से, तो वोराशियस लोग वो होते हैं ना जो बहुत खाने पीने के लालची होते हैं, ग्रीडी होते हैं वोराशियस, बुक्कड़,
ग्रीडी, लेकिन ये जो वर VER, ये वर का मतलब भी होता है ट्रस्ट, ट्रस्ट 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 ट्रस्ट। तो वरासिट, वरासिटी हो, ट्रस्ट मतलब सच ट्रूथ, या वराशियस हो, ओके, या वरासिटी हो, या वेराटिबल हो, सबका मतलब सच ही है ना, सब में वर 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 वर्ड आया। और वोर खाने पीने से रिलेटेड, ये तो ग्रीडी है, ग्रीडी। और एक बहुत अच्छा सा ये भी है, सच्चाई से ना एक और वर्ड है, देखो यहाँ पे लिख लो, जैसे जैसे वेरी वेरी सिमिलीट्यूड, ये भी ऑनेस्टी के सेंस में ही जाता है, वफादारी ऑनेस्टी के सेंस में। यहाँ भी वर वर्ड है ना, VER, इसको मैं अलग से करवाऊंगी। वर वर का भी मतलब होता है सच, मतलब सच्चाई ईमानदारी, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसा करवाया था ना, वेरी सिमिलर टू ट्रूथ, वेरी सिमिलर टू ट्रूथ, मतलब ये भी ट्रूथ के सेंस में ही है। वर वर्ड का मतलब ये सच्चाई, ये सब जो अलग से लिखा जा रहा है ना, लिख लेना है, वेरी सिमिलर टू ट्रूथ, इसमें लिख लेना है। हो गया ये वाला। तो ये जो बोनाफाइड है ना, बोनाफाइड का मतलब होता है, दो दो याद करके जाओगे मैम, बोनाफाइड का, बोना का मतलब, फिड का मतलब, बोनाफाइड मतलब जिस पे भरोसा कर सकते हैं। और आप क्या करोगे ना एग्जाम में, ये दोनों रट के चले जाओ, ऑथेंटिक और ये। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि एग्जाम में यही आएगा, एग्जाम में ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। देखो एग्जाम में ऑप्शन में जेन्युइन आ सकता है, ऑथेंटिक, अक्रेडिटेड, रियल, वेरासिटी, ये सब कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब हो गया मैलाफाइड, मैलाफाइड का मतलब होता है इलीगल फॉल्स, लेकिन यही दोनों वर्ड नहीं आएगा ना, ओके, ये दोनों वर्ड नहीं आएगा इसमें, तो और भी वर्ड आ सकते हैं। मैलाफाइड का कुछ सिनोनिम्स लिखिए, मैंने बोनाफाइड का सिनोनिम्स बता दिया, इसका उल्टा मैलाफाइड है, क्या होगा? कुछ वर्ड्स तो आपको अपने से लिखना होगा, PDF तो मिलेगा ही। मैलाफाइड का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स, बोगस, बोगस का मतलब भी होता है फॉल्स, इसको बोलते हैं फालसी, फालसी का मतलब भी होता है फॉल्स, किसी का सिग्नेचर फोर्जरी कर लिया, फोर्ज्ड सिग्नेचर, हाँ, अनट्रस्टवर्दी तो अलग है। और भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है, एक 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 वर्ड ये याद रखो, एग्जाम का फेवरेट है, स्पूरियस, स्पूरियस वर्ड याद रखो, काउंटरफीट याद रखो, पुलिस ने जाली नोट्स, काउंटरफीट नोट्स जब्त किए, स्पूरियस। और फोनी में ना POH, ये सब याद रखिए, ये सब वर्ड्स एग्जाम का फेवरेट है, अगर ये सब एग्जाम्स में खास करके आने वाले वर्ड्स है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उठा के हम लोग लिख रहे हैं, फोनी वर्ड। स्पूरियस हो गया, फोर्ज, स्पूरियस, काउंटरफीट, और क्या क्या हो सकता है, और भी एक दो वर्ड है ना, कहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, अच्छा रुको, मैं मैलाफाइट का अच्छे से लिख रही हूँ, नकली का सारे वर्ड्स लिखो यहाँ, यहाँ पे नकली का, जो जो एग्जाम्स में आ सकता है, ये एग्जाम का फेवरेट है, स्पूरियस, ठीक है, फॉल्स, फोनी वर्ड याद रखो, फोनी, फोर्ज्ड, फॉलेसी, पॉलिसी, काउंटरफीट, FA, सोफेस्ट्री, बोगस, चीट अलग है ना, चीट तो अलग वर्ड है, कोई भी चीज। एक बहुत खूबसूरत वर्ड है जो एग्जाम्स में, एपोक्रिफल, एपोक्रिफल, ये जो जब भी नकली वाला वर्ड है ना, स्पूरियस याद रखना, ठीक है, फोनी वर्ड याद रखना, काउंटरफीट, एपोक्रिफल, इम्पर्सनेट मत डालो ना, इम्पर्सनेट इज नकल करना, वो तो नकल करने वाले सेंस में, ठीक है। अब इसको कैसे याद करना, फेक भी लिख लीजिए, फेक भी है, फेक भी है, फेक, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना, देखो मैलाफाइड की हिंदी क्या है, जिस पे भरोसा नहीं कर सकते हो, जो नकली है, हिंदी आए, नकली ऑप्शन में थोड़ी आएगा, आपको ये सब याद करना है। स्पूरियस कैसे याद रखोगे, स्पूरियस पूड़ी से याद रखा था, पूड़ी, पूड़ी, नकली तेल में पूड़ी को तला गया है, पूड़ी, पूरी, हाँ, पूरी जो आप खाते हैं ना, नकली तेल, असली तेल में नहीं है, उसे याद रखा था, स्पूरियस। फॉल्स तो पता है, फेक भी पता है, ठीक है, फेक भी पता है। अब आपको याद रखना, देखो ये कंफ्यूज मत होना, फोन, फोनी, फोनी वर्ड है ना, ये साउंड से रिलेटेड, साउंड, साउंड, इसे कंफ्यूज मत होना, बट ये वर्ड है FONE वर्ड, इसका मतलब भी है नकली, इसको कैसे याद रखोगे, ये फोनी फोन से रिलेटेड है, फोन का मतलब साउंड, बट ये कैसे याद रखोगे, क्या है, फोन पे GF नकली बातें करती है और आप पूरे दिन बैठ के सुनते हैं नकली नकली बात, हनी, हनी नकली है, अच्छा, हाँ, आजकल ना मार्केट में बहुत पूरी, ये याद रखो, GF नकली बात करती है और इनको पता है, बट फिर भी ये सुनते हैं, पूरी नकली है, नकली तेल में पूरी तल दिया है,
और फोनी भी जो हनी है ना आजकल मार्केट में, बहुत सारे नकली शहद भी मिल रहा है, हनी नकली है, नकली नकली, ये सब याद हो जाता है बार बार, मैं रिपीट करवाऊंगी ना, एक दिन में सब याद नहीं होगा बट हो जाएगा। ओके, फोन या फोन नकली है, नकली फोन है, चाइनीज है, लेकिन आप इससे भी कंफ्यूज हो जाओगे ना, ये वाले, ये फोनी का मतलब है हनी, हनी इज नकली। कुछ बच्चों का ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक ऑफिसर ग्रेड की एग्जाम देने आ रहे हैं, ओके, और इतना भी दिमाग नहीं है ना, वो पूछ रहे हैं क्या लिखूं, क्या लिखो, जो मैं लिख रही हूँ वो लिखो, कुछ पूछ रहे हैं मैं क्या लिखूं। अब आप लोग चाहोगे ना कि मैं आराम से गाइस, क्योंकि गाइस गाइस करके वही पढ़ाएंगे ना, जिसके पास कंटेंट की कमी है, टाइम पास करना है, गाइस लिखिए, तब तक मैं थोड़ा फोन का 4-5 मैसेज देख लेती हूँ, हमारे पास टाइम कम है, हमारा कंटेंट ज्यादा है, तो ये लिखो ना, मैं इतने देर से क्या बता रही हूँ कि बोनाफाइड का मतलब होता है असली, लेकिन असली में सिर्फ ऑथेंटिक वर्ड नहीं आएगा ना, असली के मैंने सारे सिनोनिम्स डाल दिए हैं, नकली का सारा सिनोनिम्स डाल दिए हैं, और हर चीज ना, ये वाला जो रूट वर्ड है ना, रूट वर्ड में मैंने दो दो डाला है, लेकिन मैं साथ साथ लिखवाते जा रही हूँ, तो रूट वर्ड में आपको थोड़ा लिखने का काम करना है, उसके बाद जब मैं समुद्र मंथन का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में आऊंगी ना, तो वहां बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे रटते जाइए, हनी नकली है, फोर्ज नकली है, फैलाशियस, फैलाशियस को याद कर लो, फॉल्स है, ठीक है। अब मुझे बोगस है, बोगस का मतलब भी नकली है, काउंटरफीट कैसे याद रखोगे, यहाँ पे लिखो, क्योंकि ना जब तक आप वर्ड को जोड़ जोड़ के नहीं पढ़ोगे ना, कभी वो क्या आप सीख नहीं पाओगे। क्यों मैं लिख रही हूँ, मैं तो सिर्फ स्लाइड से ही पढ़ा देती, काउंटर फीट, अब यहाँ पे हमारा बच्चा कंफ्यूज होगा, काउंटर फीट में एक आएगा सर फीट और एक आएगा फोर फीट, ये आपको फिल अप द ब्लैंक्स में ये वर्ड दे देंगे, ठीक है। चलो, काउंटर फीट का मतलब क्या है, काउंटर फीट का, पुलिस ने बहुत सारे काउंटर फीट नोट जब्त किए हैं, काउंटरफीट कैसे याद रखो, काउंटरफीट नोट्स होता है ना, जाली, जिसको हिंदी में बोलते हैं जाली नोट्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, जो 4 फीट में ऐसे डाल दिया, ये नहीं होगा 4 फीट में, ही नहीं, 4 फीट, हाँ, सर से फीट तक, सर मतलब ऊपर, फीट मतलब नीचे, सर से फीट तक भरा हुआ है, सर फीट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में, अबंडेंट, अबंडेंट, और आपने सुना होगा शेयर्स वगैरह 4 फीट हो गया, जब्त कर लिया गया, तो ये 4 फीट जैसे होता है ना कि आपके बहुत सारे प्रॉपर्टी या बहुत सारे चीजों को फॉरफिट कर लिया गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं जब्त करना, तो ये फॉरफिट का पेनल्टी, पेनल्टी के रूप में जब्त कर लिया गया, इसको सीज कर लिया गया, सीज सीज, हाँ, जो पेनल्टी वगैरह नहीं पे कर पाते हैं, तो शेयर वगैरह भी जब्त हो गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, देखो कैसे कैसे पढ़ते हैं, फॉरफिट, ये तो काउंटर फिट का मतलब है नकली, सर से आप, सिर से लेकर फीट तक, अबंडेंट, अब यहाँ पे आप कैसे कंफ्यूज हो गए, एक वर्ड आता है ना ये वाला SIEGE, और एक आता है SEIZE, ये सब लिंक कर करके पढ़ना है, ये सब है सीज, ये तो ठीक है, सीज फायर का मतलब होता है स्टॉप, सीज फायर, सीज मतलब स्टॉप, और ये सीज का मतलब तो जब्त करना, कैप्चर करना, और ये सीज का मतलब क्या है, सराउंड कर लेना, पूरे तरह से घेर लेना, सराउंड, सराउंड, घेराबंदी करना, सराउंड करना, सीज कर लिया, आर्मी ने घेर लिया है, एनगल्फ कर लिया है, सराउंड कर लिया, तो लिखते जाइएगा, ये सब याद हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा, जो हमारे पुराने वाले स्टूडेंट्स है ना, उनसे आप थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले सकते हो, जो ओल्ड वाले स्टूडेंट है ना भाई, न्यू स्टूडेंट को थोड़ा सा आप लोग एनकरेज करिए, एनकरेज करिए कि भाई ब्रो ब्रो घबराओ मत, हम लोग को भी शुरू में ऐसे ही लगता था, बट याद हो जाएगा, सबको याद है, मैं देख रही हूँ ना कॉमेंट बॉक्स में, सबको याद है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा रजत बोल रहे, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, कल ही पूछूंगी ना, तो आपको याद हो जाएगा बहुत सारा, थोड़ा सा खुश होके करना, दुखी होके मत करना, ओके, क्योंकि वर्ड पावर का दायरा बड़ा है, और मैं समुद्र मंथन वर्ड के थ्रू ना नहीं चाहती हूँ कि एक भी कोई एग्जाम में वर्ड आए और आपको ना पता, हमारे कॉम्पिटिटर को अच्छा नहीं पता, लेकिन मेरे स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ये सीज सारे वर्ड्स पता होना चाहिए। अब आ जाओ कॉन्फिडेंट, टाइम लग जाए बट समुद्र मंथन बैच में आपको 30% याद हो जाए, अभी मैंने लिखा कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, और अब मैंने लिखा था कॉन्फिडेंट, दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है, ये जो कॉन्फिडेंट है ना, ही इज कॉन्फिडेंट, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ये कॉन्फिडेंट उस व्यक्ति की विशेषता है, और कॉन्फिडेंट वो व्यक्ति है जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं, जैसे नरेंद्र अमित शाह इज द कॉन्फिडेंट ऑफ मोदी, तो ये कॉन्फिडेंट होता है ना ऐसा फ्रेंड जिसपे आप भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड,
ओके, कॉन्फिडेंट वो व्यक्ति को बोलते हैं, और ये कॉन्फिडेंट तो उसकी विशेषता है, तो यहाँ भी तो फिट वर्ड है ना, यहाँ भी फिट वर्ड है, ट्रस्ट वर्दी पर्सन है. एक वर्ड होता है कन्फाइड करना, यहाँ भी फिट वर्ड दिख रहा है. कन्फाइड करना मतलब अपनी बातें उससे शेयर करना जिसपे आपको भरोसा है, छुपाना नहीं होता. कन्फाइड करना मतलब अपनी सीक्रेट्स को शेयर करना उस व्यक्ति से जिसपे भरोसा है. भरोसा है, ये कॉन्फिडेंट तो ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड को बोलते. देखो कन्फाइड बता दिया, सीक्रेट को शेयर करना जिसपे आप भरोसा कर सकते हो. एफिडेविट बनवाते हो ना, एफिडेविट वर्ड में फिट है. प्रमाणित सर्टिफिकेट बोलते हैं ना, जाओ एफिडेविट बनवा के ले आओ. एफिडेविट देख के ही पता चलता है ना कि ये प्रमाणित है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं. ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है. कॉन्फिडेंशियल भी होता है. शेयर योर थॉट्स विद अ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट पर्सन मत बोलना विद योर कॉन, क्योंकि पर्सन भी नाउन है और कॉन्फिडेंट भी नाउन है, दोनों एक साथ नहीं आया. कॉन्फिडेंट बोल सकते हो. तो इतना सारा वर्ड याद हो गया, कितने सारे आपको वर्ड, अब आपके दिमाग में परफिडी आएगा. ठीक है, आपके दिमाग में रिवाइज करना पहले. अच्छा, परफिडी का मतलब है गद्दारी, गद्दारी. ओके हाँ, अब मुझे बताओगे कि आज, अभी तो मैं और भी वर्ड्स पढ़ाऊंगी, ये बैंक के लिए भी है ये वर्ड पावर ना. ये वर्ड पावर पढ़ के जाओगे ना, बोलोगे अरे मैम न्यूज़पेपर में ये वाला वर्ड आया था, ये वाला वर्ड आया था. पहले हाँ, अब मुझे बताओ कि आज जो पढ़ के जा रहे हो उसको किस टाइम पे रिवाइज करेंगे. नहीं, मैं पीछे वाला स्लाइड दे, बताओ मुझे, वादा करो कि किस टाइम पे रिविजन होगा. बिना रिविजन का कुछ नहीं हो. नहीं, कल नहीं करना है, कल तो बहुत लेट हो जाएगा. आप कोई टाइम निकाल, ठीक है, टाइम निकाल लो. आप अब जिस टाइम पे रिवाइज करोगे ना, मैं भी उस टाइम पे आपके लिए प्रे करूंगी. एक पक्का टाइम बताओ कि भगवान मेरे स्टूडेंट्स ना अभी वो क्या अभी याद कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प करिएगा, उनके दिमाग से ना निकलने मत दीजिएगा. टाइम बताओ, टाइम बताओ. सब उसी समय करेंगे, दोपहर में करेंगे, सुबह 5 बजे करेंगे. मैं सुबह 5 बजे जग के आपका भगवान से प्रे करूंगी. 5 बजे आप सुबह 5 बजे जगोगे, मैं क्यों जगूंगी. राइट हाँ, तो जितना बजे भी करना है ना मुझे बता देना, रात में 2 बजे करेंगे. चलो ठीक है. तो ये सब वर्ड्स कुछ तो मुझे ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना कि कुछ तो वर्ड्स दिमाग में होंगे ना. 20%, 100% में से 20% तो कुछ तो दिमाग में अभी याद हो गया होगा, याद हो गया होगा, याद हो गया होगा. जैसे मैं बोलूंगी ना, जैसे मैं ये वर्ड करूंगी कॉन्स्टेंसी, तो आप बोलोगे अरे क्लास में मैम कॉन्स्टेंट बोली थी, ये कॉन्स्टेंट है, ये अपना पार्टी नहीं बदल रहा है, मतलब वफादार है. फिर परफिडी बोलूंगी, अरे फिट आ गया है. ये जो पर वाला वर्ड होता है ना, जनरली नेगेटिव सेंस में जाता है. पर ज्यूरी, एक पर ज्यूरी भी होता है, ज्यूरी, उसने ज्यूरी मतलब जजेस को धोखा दिया, गद्दार है, इस सेंस में गद्दार है. याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. अब बताओ, अब आ गया, देखो ये आ गया, ये आ गया, तो कुछ तो दिमाग में जाएगा. क्या क्या जाएगा कि क्लास में हमने क्या किया था. टेंशन दिया है मेरे को, गद्दार निकला, उसकी गद्दारी से मैं टेंशन में आ गया, ट्रेजरी चुरा लिया, कोई रीजन नहीं है. हो जाता है, हो जाता है. सन ने धोखा दिया, भले सन को भड़काता कोई और है, लेकिन धोखा तो यही देता है. ऐसा थोड़ी है कि सन को कोई आके डॉटर इन लॉ भड़का दोगी तो आप भड़क जाओगे. मैं तो ये मानती हूँ कि डॉटर इन लॉ ने आके भड़काया है, भड़का देने से भड़क जाओगे आप तो वफादार रहो. फीएलटी, फीएलटी रेनिगेट सब हो गया. अब एक रूट वर्ड हमने खत्म किया, ठीक है. अब नेक्स्ट क्लास ना, मैंने अब दूसरा पर हम चलते हैं. नेक्स्ट वाला हम रूट वर्ड लोक करेंगे. लोक का मतलब होता है स्पीक, स्पीक. अब हम बारी बारी से रूट वर्ड भी होगा. अपने आप को ना डिक्शनरी बना लेना है. जो लोग समुद्र मंथन पढ़ चुके हैं उनको लगता है कि हम तो एक डिक्शनरी बन चुके हैं. अब आ जाओ, वो तो रूट वर्ड था. अब समुद्र मंथन का पहला वर्ड प्लॉडेड, प्लॉडेड. ये वर्ड जहां भी देखो, मैंने ना एग्जाम में जितना भी प्लॉडेड से सिनोनिम्स आ सकता है सब डाल दिया, जितना भी उसका एंटोनिम से रिलेटेड वर्ड आ सकता है सब डाल दिया. इसके अलावा नहीं करना है. प्लॉडेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना. अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम प्लॉडेड को याद कैसे रखा जाए. ये तो बहुत अच्छा अच्छा बनाया था. एक वर्ड याद करो, लॉड, LAUD. आप अपलॉड करते हैं ना, राउंड ऑफ अपलॉड. अपलॉड का मतलब भी तो तारीफ होता है, ठीक है. प्लॉडेड में लॉर्ड वर्ड है ना, लॉर्ड, LAUD, लॉर्ड या अपलॉड. अपलॉड का मतलब भी होता है तारीफ करना, तारीफ करना, तारीफ करना. एक तो ये हो गया. अब आप तारीफ करने का कैसे, एक एक स्टूडेंट ने बोला था मैम पुलाव, दी ने बहुत अच्छा पुलाव बनाया, दी ने बहुत अच्छा पुलाव बनाया, तो दी की तारीफ हुई. ये भी था.
ये भी था। और दूसरा स्टोर बताया कि उसने बहुत अच्छे तरीके से ऑडिट किया, ओके अकाउंट्स का ऑडिट वगैरह बहुत ऑडिट बहुत अच्छे से किया, इसलिए उसकी तारीफ हुई। ऑडी गाड़ी में जो बैठते हैं ऐसे याद करने के लिए, ऑडी कार, अरे ऑडी कार खरीदा है उसने, उसकी बड़ी तारीफ हुई है कि अच्छा खासा उसका इनकम है, अच्छा खासा इनकम है तभी तो ऑडी गाड़ी खरीदा है, ठीक है। और एक वर्ड बताया भी था, एनकोमियम भी बताया था, उसका इनकम अच्छा है, एनकोमियम उसका इनकम अच्छा है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, ऑडी गाड़ी खरीदा तारीफ करते हैं। और पंडित जी वाला भी याद किया था। अब आपको कितना चाहिए, कितना आपको चाहिए, अपलॉड बता दिया, पंडित प्लॉडेड इज पंडित, पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा करवाया, उनकी तारीफ की, लॉर्ड किया तारीफ करना, पुलाव दी ने बहुत अच्छा बनाया तारीफ, ऑडी गाड़ी में बैठा था उसकी तारीफ हुई है, इसके अलावा अब नहीं आएगा कुछ, मतलब याद करना इससे ज्यादा नहीं है। तो प्लॉडेड का मतलब होता है तारीफ करना, ठीक है, तारीफ करना। अब तारीफ करने का ऐसा नहीं आएगा ना, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट आएगा, तारीफ करने का ये नहीं है, कोई कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, बस आपको ना ये ध्यान रखना कि मैम आपने तो 1 2 3 4 5 6 7 इतना 10 वर्ड्स डाल दिया, हमें कैसे 10 वो याद रहेगा। आपको ऐसे 10 वो याद नहीं करना है, बस आपको याद करना है ना कि ये वर्ड मेरे सामने आए, ठीक है, ये वर्ड मेरे सामने आए ना तो मैं कैसे, मेरे को याद आ जाए इस वर्ड को देखते साथ, मेरे को याद आ जाए कि इसका मतलब ये है। जैसे अपलॉडिट आ गया, पुलाव दी ने अच्छा बनाया, ऑडिट पंडित जी ने अच्छा अच्छा किया, अब कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छे से तैयार होके आई तो उसको बहुत अच्छा अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला, कॉम्प्लीमेंट। और एक कॉम्प्लीमेंट ये भी होता है, ये होमोनिम है, होमोनिम किसको बोलते हैं, होमोनिम्स मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट मीनिंग अलग है, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब है तारीफ, और ये कॉम्प्लीमेंट इज पूरक, पूरक मतलब कोई भी चीज को ना कंप्लीट करना, मोर और लेस द प्रोनाउंसिएशन इज सेम, पूरक पूरक। ऐसे एग्जाम में जो होमोनिम्स इस बार दिए है ना, कि एक बार होमोनिम भी आएगा, पहले भी आता है, मैन इज अ कॉम्प्लीमेंट टू वुमेन, तो ये गलत है ना, मैन वुमेन के पूरक है, मैन के बिना वुमेन अधूरा, वुमेन के एक दूसरे की पूर्ति करते, तो ये तारीफ नहीं हो, ये वाला कॉम्प्लीमेंट, PLE वाला, कंफ्यूज मत हो, ब्रेड एंड बटर, हाँ पूरक है एक दूसरे के, तो कॉम्प्लीमेंट। और प्रेस तो सबको पता है, प्रेस तो सर बच्चा को पता है, ठीक है। और अप्लॉज, अप्लॉज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, अप्लॉज करना भी किसी को, तारीफ करना ये भी सबको पता है। अब आपको बता रही हूँ, पहले तो इजी इजी वाला करवा रही हूँ, ये वर्ड कैसे याद रखोगे, एनकोमियम, इनकम, जिसका इनकम अच्छा होता है ना तो नो डाउट लोग उसकी तारीफ करते हैं, हमारी सोसाइटी में यही है, इसका इनकम अच्छा है, इसकी तारीफ हो रही। अब मुझे बताओ साइट करना, कॉपी में लिखना साइट करना, साइट करने का मतलब क्या करना, साइट करने का मतलब होता है ना किसी भी चीज को कोट करना, कोट कोट मेंशन करना, जिक्र करना, कोट करना, मेंशन करना। अब देखते हो हम कोटेशंस देखते हो, कोटेशन जानते हो ना, जैसे अब्दुल कलाम के बारे में, अब्दुल कलाम के वर्ड्स को हम कोट करते हैं, हम कोटेशंस उन्हीं लोग के करते हैं ना जो थोड़े फेमस लोग होते हैं, ओके फेमस कोटेशंस उनके, देखो उसके लाइंस को कोट किया गया। अब क्या नाम है, दाऊद इब्राहिम की बातों को हम कोट करें, ओके कोट करना मतलब कोटेशंस वगैरह, तो वही साइटेशन का मतलब भी होता है कोट करना, और तारीफ, तारीफ भरे शब्दों में किसी भी चीज को कोट करना। हाँ राम रहीम को हम कोट नहीं करेंगे, कौन है सोनू शर्मा, कौन है मैं नहीं जानती, है कौन है सोनू शर्मा, सुना ही नहीं है मैंने, सोनू सूद का नाम सुना है, सोनू शर्मा नहीं सुना है। अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, अच्छा या तो साइट, या तो आप इस साइट से कंफ्यूज मत होना, ये साइट का मतलब होता है नजारा दृश्य, और एक साइट का मतलब होता है जगह, ये वाला कंस्ट्रक्शन साइट, ये साइट बड़ा अच्छा है सबने इसकी तारीफ की, ये नजारा भी बहुत अच्छा है सबने इसको साइट किया, तो साइट करना, कोट करना, तारीफ करना, साइटेशन वर्ड भी तारीफ करना हो गया। अप्रोबेशन, अप्रोबेशन को कैसे याद करो, अप्रोबेशन अप्रूवल, प्रोब, प्रोब वर्ड से याद करो, प्रोब का मतलब क्या है, प्रोब, प्रोब का मतलब है जांच पड़ताल, जांच पड़ताल करने के बाद, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया गया कि वो व्यक्ति प्रेज वर्दी है, अप्रोबेशन। या जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं, हाँ बैंक पीओ को क्या बोलते हैं, पीओ, पीओ इज प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, और अपने प्रोबेशन पीरियड पे, प्रोबेशन पीरियड मतलब उसने अपनी ट्रेनिंग पीरियड पे बहुत अच्छा काम किया इसलिए लोगों ने उसकी तारीफ की, प्रोविजनल ऑफिसर्स नहीं होता है, अरे बैंक पीओ को प्रोविजनल ऑफिसर नहीं बोलते हैं, प्रोबेशनल ऑफिसर्स है, प्रोविजनल है मतलब अभी टेम्परेरी है, ओके हाँ। या तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अप्रोबेशन, अप्रोबेशन को याद कर दो, अप्रो अप्रूवल, सबने उसकी अप्रूवल की,
सबने उसको अप्रूव किया. क्यों अप्रूव किया? क्योंकि उसने बहुत सराहनीय काम किया. या प्रोबेशनरी ऑफिसर, जो बैंक पे वाले ऑफिसर है ना, प्रोबेशन पीरियड में बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको तारीफ हुई. प्रोविजनल नहीं है, कूदने लगा. कुडोस, कुडोस का मतलब है कूदने लगा. कूदो, लोग क्या करते हैं, कोई आपकी तारीफ करता है तो कूदने लगते हो ना खुशी से. कूदो, मैंने उसकी तारीफ की और वो कूदने लगा. कुडोस, कुडोस बोलते हैं ना, शाबाश, कॉन्ग्रेट्स, तारीफ करने के लिए. कमेंड, कमेंड तो पता है आपको, ही हैज डन अ वेरी कमेंडेबल जॉब. कमेंडेबल मतलब सराहनीय. या इसको याद कर लो, रिकमेंड. आप मेरे साथ, मेरे पास आओगे ना तो बोलोगे कि मैम किसी डॉक्टर का, किसी टीचर का रिकमेंड करिए, या मेरे को ना कोई अच्छा डॉक्टर रिकमेंड करिए, तो मैं उसी डॉक्टर को रिकमेंड करूंगी ना जिसके लोग तारीफ करते हैं, अच्छा काम करते हैं. तो कमेंडेबल का मतलब भी होता है रिकमेंड, तो सुझाव देना, और कमेंडेबल इज प्रेज. प्रेज, जीएस का अच्छा टीचर रिकमेंड किया, जीएस का जितना भी अच्छा टीचर रिकमेंड कर दो. इंग्लिश का, मैथ्स का एग्जाम तो आप ही निकालते हो, जो भी निकलता है ना आप ही की वजह से एग्जाम निकलता है. अगर ऐसा होता ना, एक ही टीचर एक क्लास में 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट 10,000 बच्चों का एग्जाम नहीं निकलता है, निकलता कुछ ही का है. इसका मतलब है उसने जो टीचर को पढ़ाया उसके बाद वो अपना प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा मेहनत किया, नहीं तो सबका ही निकल जाता. हाँ, कमेंड है. और ओवेशन वर्ड आपने सुना है, आपने वो डीआईडी और वो सब में देखते हैं ना, क्या बात क्या बात. स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है, खड़े होके तारीफ करते हैं सब लोग. ठीक है, तो स्टैंड ओवेशन का मतलब भी होता है तारीफ करना. अ क्लेम, बताओ. एक तो क्लेम होता है, क्लेम, क्लेम का मतलब है दावा करना. अ क्लेम कैसे याद रखो? अ क्लेम दावा कर रहे हो किसी, क्या है? प्रोक्लेम तो घोषणा करना है. प्रोक्लेम करना मतलब घोषणा करना. जो लोग तारीफ के लायक होते हैं अक्लेम किया जाता है उसके. देखो, हमने हमने ऐसा याद किया था, अकल, ACL. अगर आप में अकल है ना तो लोग आपकी तारीफ करते हैं. अकल, उसकी अकल की तारीफ हुई है. अकल, अकल की तारीफ हुई है उस, अकल है तो, अकल है तो लोग आपकी तारीफ करेंगे. बेवकूफ की तारीफ कौन करेगा? अब्दुल कलाम जैसे लोगों को. तो ये तारीफ के वर्ड्स हुए. अब आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, प्लॉडेट, प्लॉडेट आएगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ऑडी गाड़ी में बैठकर बैठा है, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, फिर क्या आएगा? लॉड, लॉड का मतलब भी है तारीफ करना, अपलॉड का मतलब भी है तारीफ करना. चलो तारीफ. दूसरा, दूसरा क्या है? पंडित जी के पूजा की, बोलते हैं ना पंडित जी अगर पूजा करके जाते हैं तो बोलते हैं ना, यार ये पंडित ने बहुत अच्छी पूजा करवाई है, ये कर दिया. और पुलाव, दीदी ने बहुत अच्छा पुलाव बनाया, ये चला गया, आ जाएगा. अब आपके दिमाग में ये आएगा, एग्जाम में ये आ जाएगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? उसका इनकम अच्छा है, लोग उसकी तारीफ करते हैं. क्यूडोस वर्ड आएगा, क्यूडोस, कूदने लगा, तारीफ किया और कूदने लगा. अब आपके वर्ड आएगा अप्रोबेशन. अप्रोबेशन देख के अप्रूवल, उसकी अप्रूवल की गई क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया. हाँ, और दूसरा, ट्रेनिंग पीरियड में उसने बहुत अच्छा काम किया, बैंक प्रोबेशनरी अच्छा काम किया, ये सब आपका आएगा. साइटेशन देख के क्या आएगा? साइट करते हैं किसी की बातों को, साइट करते हैं, वो जो महान लोग होते हैं ना उनकी बात को साइट करते हैं, लिखते हैं, जिक्र करते हैं क्योंकि अच्छा काम किया है. ठीक है, कमेंडेशन भी हो गया, ओवेशन, ओवेशन. और एक दो वर्ड और लिख सकते हो आप, वैसे तो ये नाउन है लेकिन एक ये भी वर्ड एडजेक्टिव वाला लिख लो, एग्जेम्पलरी. उसने एग्जेम्पलरी काम किया. एग्जेम्पलरी को याद कर लो, एग्जाम्पल, इतना अच्छा काम किया ना कि लोग उसके उदाहरण दे रहे थे, एग्जाम्पल दिया जा रहा था, सराहनीय, उदाहरण के रूप में अच्छा काम किया. और एक, हाँ, एक्कोलेड्स भी याद कर लो, अकल, अकल वाला किया था ना कहीं पे. हाँ, अक्लमेशन, अब उसकी अकल की तारीफ हुई. एक्कोलेड का मतलब भी है वही, तारीफ हुई और उसको सम्मान मिला. LAD, ACO, क्या लिख दिया स्पेलिंग, AD. अब एग्जाम में सिर्फ तारीफ के वर्ड्स नहीं आएंगे ना. अब एग्जाम में सिर्फ तारीफ के सिनोनिम्स थोड़ी आएंगे, एग्जाम में एंटोनिम्स भी आएंगे. तारीफ करने का उल्टा हो गया आपका निंदा करना. निंदा करना नेक्स्ट क्लास पूछूंगी ना, आपको याद हो जाएगा, बीच बीच में टेस्ट वगैरह होते रहेगा, याद हो जाएगा. हर 10 क्वेश्चन के बाद ना हम लोग टेस्ट करेंगे, 10 वर्ड्स कर लेने के बाद. हाँ, पेजोरेटिव, पेजोरेटिव तो हम सब बच्चों को याद हो गया, पवन सर की गाड़ी से ये हमने याद किया. इनफैक्ट नॉलेज फाइट में पवन सर ने मुझसे इसी वर्ड का, मैंने उनसे इसी वर्ड का मीनिंग पूछा था. पवन सर के पास गाड़ी थी पजेरो, पजेरो गाड़ी थी जिसकी पवन सर ने बहुत निंदा की थी, अच्छा नहीं चल रहा है मैम, मुझे दूसरा गाड़ी खरीदना होगा. तो पेजोरेटिव का मतलब भी होता है निंदा करना, निंदा, छोड़ दिया, हाँ, बेच दिया उसको.
ये तो सबको याद रहेगा। बोले थे मुझसे कि मैम पेजोरेटिव है, मैंने उनको नॉलेज फाइट में बताया भी था, आपकी गाड़ी से हम लोगों ने ये वर्ड याद किया है, याद किया। अभी भी है सर के पास, वो बेच देंगे। अब पवन सर ने मेरे से क्या वर्ड पूछा था, इतना इजी पूछा था, मैम आप बताइए कि अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है नॉलेज फाइट में। मुझे लगा ना कि मुझे 10-15 मिनट इसको सोचना चाहिए था, क्या होता है अप्रेंटिस इज ट्रेनिंग पीरियड। तो पेजोरेटिव का मतलब है निंदा करना, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी को कैसे याद करोगे, उसको इग्नोर करो, सब लोग उसकी निंदा करते हैं। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी वर्ड बहुत बार आया, उसको इग्नोर करो ना, सारे लोग उसकी निंदा करते हैं, उससे दूर रहो, इग्नोर करो। क्रिटिसिज्म तो पता है, कंडेम तो पता है, डैम करना, ये तो कंडेम करना भी निंदा करना सबको पता है। ओके सेंश्योर, हाँ ये वर्ड याद रखना। अच्छा मूवी में ये होता है ना सेंसर बोर्ड, मूवी में सेंसर बोर्ड क्या होता है, सेंसर बोर्ड मतलब मूवी, इस मूवी के इस सीन को सेंसर कर दिया, उसको बैन लगा दिया। सेंसर बोर्ड मतलब सेंसर करना, किसी चीज को प्रतिबंधित कर देना, बैन लगा दे, बैन कर दिया। और ये एक वर्ड होता है सेंश्योर। तो जो चीजें क्रिटिसिज्म वाली होती है, जिस चीजों की निंदा की जाती है ना, उसी पे तो बैन लगा दिया जाता। तो ये सेंश्योर इज निंदा करना, और ये सेंसर इज बैन लगाना। सेंसर लगा दिया, जो सीन अच्छा नहीं है उसको हटा देते हैं, काट दिया, सेंश्योर। फ्लैग, फ्लैग को कैसे याद करोगे, फ्लैग को बच्चों ने याद किया था गोल्ड फ्लैग। अब तो कुछ दुखी भी हो जाएंगे, गोल्ड फ्लैग का स्पेलिंग शायद यही है, गोल्ड फ्लेक। ग्लोल फ्लेक क्या है, सिगरेट है, सिगरेट है, हाँ सिगरेट का स्पेलिंग सही देख लेना, सिगर ई डबल टी, सिगरेट से, जो लोग सिगरेट पीते हैं ना उसकी निंदा होती है। वैसे आप तो नहीं करते हैं, पहले जमाने में, हाँ पहले जमाने में तो बोलते हैं अरे मैं तो अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करूंगा। आजकल तो सब पीते हैं, लड़का सिगरेट पीता है, नहीं नहीं उसकी शादी नहीं करना है अपनी बेटी से। अब तो बेटी भी सिगरेट पी रही है, अब तो बेटी भी पी रही है, हाँ। तो हाँ इसको ऐसे कर लो, फेक से याद रखो, फेक, फेक का मतलब है नकली। तो नकली चीजों का भी फ्लेक होता है, क्रिटिसिज्म होता है, और जो लोग सिगरेट पीते हैं उनकी भी आलोचना होती है। नेहरू जी भी पीते थे ना, चलो ठीक है, बोलते हैं ना हाँ सिगरेट पीते हैं वो बहुत कूल होते हैं, याद करने के लिए है, याद करने के लिए। फ्लैग का मतलब है गोल्ड फ्लैग, जो पी रहा है उसकी निंदा होती है, फेक है, नकली है, निंदा होती है। ज्यादा ये इमोशनल हो गए। हैरैंग, हारने के बाद, हैरैंग हारने के बाद तो आपकी निंदा होती है, देखते हो पाकिस्तान टीम, इंडियन टीम, पाकिस्तान में तो कुछ ज्यादा हारने के बाद क्या उनकी हालत करते हैं, जबरदस्त निंदा होती है हारने के बाद। डायाट्राइब कैसे याद रखोगे, ये सब ना प्री में तो नहीं पूछा, थोड़े डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड है, ये सब मेंस वाले वर्ड्स। डायाट्राइब, ये ट्राइब लोग, ट्राइब आदिवासी लोग आपस में झगड़ते हैं, उनकी निंदा होती है। दो ट्राइब, डाई 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 मतलब दो, दो ट्राइब आपस में झगड़ेगा तो निंदा ही होगी ना, मिलजुल के रहना चाहिए, दोनों ट्राइब आपस में झगड़ रहे थे, निंदा हो रही थी। और है, अब है टायरेड, टायरेड को कैसे याद रखोगे, उसके घर में रेड पड़ा है, रेड, टायरेड, किसी के घर में रेड पड़ गया है तो लोग उसकी निंदा करने लगते हैं ना, टायरेड जरूर कुछ ने गलत किया है, तभी तो उसके घर में पुलिस ने रेड किया है, रेड किया है, रेड के कारण उनकी निंदा हुई। जर्मियाड, जर्मियाड को हमने मेड से किया था, मेड, ये जो मेड होते हैं ना, देखोगे बहुत जगह के मेड्स होते हैं, एक जगह पार्क में बैठ जाएंगे और सब जिसके जिसके घर में काम करते हैं ना, सबकी बैठ के चुगली करते रहते हैं, हाँ देखो वो मुझसे ज्यादा काम करवाते हैं, उसने मेरे को ये बोला है, देखो उसने तो मेरे को दशहरा में अच्छा दिया भी नहीं कुछ, ऐसे ऐसे है। मेरी मेड ना वो एक ही जगह करती है, वो 10 जगह नहीं करती है, वो नहीं, वो लोग 10 जगह नहीं करते जर्मियाड। हाँ उसको टाइम ही नहीं है, वो तो घर के अंदर ही रहती है। कैल्यूमनी, कैल्यूमनी, कैल्यूमनी को हमने याद किया था कलमुही, कलमुही से याद किया था। कलमुही वर्ड सुना होगा ना, मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं भी सुने होंगे, जो हिंदी का जैसे मूवीज वगैरह में दे देते हैं, मूवीज में जनरली एकदम मदर इन लॉ डांट रही है अपनी बहू को कलमुही बोल बोल के, तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, गोपी बहू को बोल देते हैं ऐसा टाइप। लेकिन अभी कोई बहू ये सब सुनते नहीं है, ठीक है, कोई बहू सुनने वाले नहीं है, पहले ओल्ड मूवीज में बोलते थे, हाँ ये जो 60s 70s 80s वाली मूवी में ना, अभी थोड़ा नहीं सुनते हैं, अब तो बहू भी बदमाश हो गए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, सास को मारते नहीं है, आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कि बहू सास को मारते हैं वो। तो ये वर्ड याद रखना, मेड, सारे मेड्स ना एक जगह बैठ के निंदा करते हैं अपने ओनर की, कलमूही,
क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिसिज्म करना, टायरेड, जिसके घर में रेड पड़ता है निंदा होती है, दो आदि दो ट्राइब आपस में झगड़ेंगे तो निंदा ही होगी, हारने के बाद निंदा होती है, गोल्ड फ्लेक फेक नकली है सेंश्योर, पवन सर की पजेरो गाड़ी की निंदा हो इसको इग्नोर करो, एक्सक्रूशिएट अलग है, एक्सक्रूशिएट तो टॉर्मेंट करना, किसी को प्रताड़ित करना, और भी ना एक पीछे है क्या यहाँ पे लिख लो, अरे एक मिनट, निंदा करने का ना पीछे है एक रैंट वर्ड लिखना है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे एक और वर्ड लिख लो, एल और एम, हाँ एक दो वर्ड और, रिब्यूक का तो अलग है, फ्लिमसी अलग होता है, वो सब करेंगे, एक वर्ड लिख लो रैंट, ठीक है रैंट, और एक वर्ड लिख लो इनविक्टिव, इनविक्टिव का मतलब भी होता है बहुत कड़वाहट, ठीक है इनविक्टिव, रैंट वर्ड को कैसे याद करोगे, डैबलर नहीं होगा, डैबलर तो अलग वर्ड है, रेंट नहीं देता है, हाँ उसको याद कर लो, रेंट, रेंट नहीं देता है इसलिए उसकी निंदा हुई है, टाइम पे रेंट नहीं देता है इसीलिए आलोचना हुई है उसकी, हाँ पैंट इसे क्या याद रखोगे, पैंट क्या याद रखोगे, पैंट नहीं पहनता है इसलिए उसकी निंदा हुई, रेंट नहीं देता है, इनविक्टिव, इनविक्टिव को कैसे याद कर लोगे, इनविक्टिव इनएक्टिव है, इनविक्टिव है इन, ये याद करो, ये मैं आपको डाल दूंगी आपके उसमें ना, डालते जाऊंगी डालते जाऊंगी, और एक वर्ड आप और याद कर सकते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मैं अलग से वैसे मैंने रूट वर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहो तो निंदा वर्ड में ये भी लिख सकते हो, ठीक है इनविक्टिव है, इनविक्टिव विक्टम है, हाँ ये ओब्लोक वॉय, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास करवाऊंगी रूट वर्ड, इसको याद करने का तरीका क्या है, लोक, एल ओ क्यू, लोक का मतलब होता है बोलना, और ऑब वर्ड जनरली नेगेटिव होता है, तो किसी के बारे में आप नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हो मतलब क्या है, उसकी आलोचना कर रहे हैं, ये मैंने लोक वर्ड में है, ओब्लोक वॉय का मतलब भी है, लोक मतलब बोलना, किसी के बारे में गंदा बोलना, नेगेटिव बोलना, आलोचना करना, सेकेंड रूट में है, तो ये भी सेंस में जाएगा आपका, आलोचना करना, लिखते जाइए, इसमें मैं कुछ कुछ वर्ड्स ना और ऐड करते जाऊं, अच्छा है बेसमर, वो सब अलग करेंगे ना, बेसमर्च उसके मुंह पे मिर्ची डाल दिया, तो वो सब वर्ब है ना, वर्ब है, वर्ब 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 है, अच्छा जहां पे आपने ये वर्ड लिखा है ना, मैंने आपको जहां पे वो नकली वर्ड लिखा है ना, वहां पे आप थोड़ा कॉपी पलटिए, कॉपी पलटिए, जहां पे नकली वर्ड लिखा है आपने, वहां पे ऑथेंटिक नहीं है, वहां पे ये वर्ड भी डालिए, ये भी कई बार आया, ये स्पीशीज का मतलब भी होता है नकली, आर्टिफिशियल, ठीक है आर्टिफिशियल नकली, ये वाला वहां पे लिख लो, वहां पे लिख लेना, कॉपी तो खुला ही होगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखना है कि आपका एग्जाम है पास, हाँ ब्लेसिंग्स दे दिया, आर्टिफिशियल स्पीशियस है, और एक होता है स्पेशियस, एक होता है स्पेशियस, स्पेशियस का मतलब है जहां ज्यादा जगह है, ठीक है ज्यादा रूमी है, बहुत ज्यादा जगह है, और एक ना किसी की निंदा हम करते हैं ना, किसी की निंदा करते हैं तो वहां पे ये पिलोरी, पिलोरी वर्ड भी लिखिए, ठीक है पिलोरी वर्ड भी लिखिए, इसलिए मैंने आपको ये पीआईएल आपने थोड़ा बहुत सुना होगा ना, उसके खिलाफ पीआईएल फाइल किया गया है, ठीक है पीआईएल, पीआईएल फाइल किया गया है मतलब उसके, उसकी निंदा हो रही है, उसके खिलाफ किया गया है पीआईएल, ये भी वर्ड लिख लो, PILORY, इन्विक्टिव भी लिख लो, निंदा के बहुत सारे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया, कंटेम्प्ट PIL, कंटेम्प्ट का मतलब कंटेम्प्ट भी डाल सकते हो, कंटेम्प्ट करना भी निंदा करना, कंटेम्पचुअस, कंटेम्प्ट भी लिख लो, उसको पी लिया हो गया है, क्या हो गया है, हाँ लिखते जाना, लिखते जाना, जितने भी वर्ड्स आपको मिलेगा सब मिल जाएगा पीडीएफ में, निंदा करना, पहले हमने किया है तारीफ करना, तारीफ करने के सारे वर्ड्स किए हैं, फिर हमने किया है निंदा करने के सारे वर्ड्स, ठीक है निंदा करने के सारे वर्ड्स किए हैं, अब हम इसी में जोड़ेंगे इडियम्स, वैसे मैं इडियम्स आपको अलग से भी करवाऊंगी, ठीक है मैं आपको अलग से भी इडियम्स करवाऊंगी, लेकिन हम पहले ना वो इडियम्स कर लेते हैं जो तारीफ से रिलेटेड है, ठीक है नहीं, वो वाला स्पेशियस का स्पेलिंग अलग था, वो स्पेशियस मतलब जहां पे ज्यादा जगह है, और ये पहले हम क्या करेंगे, तारीफ से रिलेटेड जितने सिनोनिम्स है कर लेंगे, फिर निंदा, निंदा से रिलेटेड जितने इडियम्स है वो करेंगे, ठीक है,
और फिर अलग से BDMs होगा। अब देखो ये हमारे एग्जाम का फेवरेट है, ये आएगा। स्टील द शो तो इस बार भी आया, डैब हैंड, ग्रीन फिंगर, ये सब आता है। चलो आगे, जो लोग तारीफ वाले सारे इडियम्स है, गिफ्ट ऑफ गैब। गिफ्ट ऑफ गैब किसको बोलते हैं? जिनको जिसको बोलने में तारीफ होती है, मतलब जो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छे वक्ता बोलते हैं होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गैब है। गैब भी मतलब बातूनी, जो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। और एक होता है ग्रीन फिंगर्स, ग्रीन फिंगर्स या वर्ड होता है ग्रीन थम, ये भी कई बार एग्जाम में आया। ग्रीन थम हो या ग्रीन फिंगर्स, ये लोग जो बागवानी में उनकी तारीफ होती है, जो गार्डनिंग में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, गुड एट गार्डनिंग, उसको ग्रीन थम बोलते हैं। अच्छा, पेपर में शुगर स्वीट वाला आया था। और एक होता है ब्राउन थम, ब्राउन थम जैसे हरियाली है, ग्रीन है, सब तरफ हरियाली है, मतलब वो गार्डनिंग में है, और जब हरियाली खत्म हो जाता है ना, सूखे पत्ते ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तो ब्राउन थम वो लोग होते हैं जिसको, ब्राउन थम जिसको बागवानी का शौक नहीं हो, नॉट फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। लिखिए, लिख लीजिएगा गार्डनिंग का स्पेलिंग, जिसको बागवानी का शौक नहीं है। अच्छा, कोल्ड फीट आया था, गुड वेदर, फेयर वेदर फ्रेंड आया था, कंटेम्प्ट करना भी निंदा करना। डैब हैंड, अब कंफ्यूज मत होना, ये अलग है। डैबलर, मैंने आपको डैबलर कैसे सिखाया है, क्योंकि हम लोग ना वो सारा भी चीज करेंगे जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। डैबलर मैंने बोला था ना, ये तो डब्बा है, डैबलर है मतलब डब्बा है, डब्बा है मतलब नौसिखिया है, इनएक्सपर्ट है। ओके, डब्बा है, इसमें कुछ भी नहीं आता, खाली डब्बा है, लेकिन ये अलग है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। डैब हैंड, डैब हैंड का मतलब ना, ये मत सोचे ना मैम ने डब्बा बताया था, डैब हैंड है मतलब इसको कुछ भी नहीं आता, नहीं। डैब हैंड लोग एक्सपर्ट होते हैं, जिसके पास हाथ वाले स्किल्स बहुत होते हैं, हाथों के कारीगरी काम को, बहुत मैनुअल स्किल्स है इसके पास। ऑन द बॉल, विराट कोहली, देखो ऑन द बॉल का मतलब है, जैसे विराट कोहली की नजर एकदम ऑन द बॉल होता है, एकदम विजिलेंट रहता है कि कब शॉट लगाना है, आर्ग साइड। ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब भी है किसी की तारीफ करना, ये मत सोचना ना ब्रिंग डाउन द हाउस घर को गिरा उड़ा दिया, तो ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब भी होता है तारीफ करना। स्टील द शो, पार्टी में तो बहुत सारे लोग थे, बट इट वाज किसका लिख दो, इट वाज सोनम हु स्टोल द शो। पार्टी में तो बहुत सारे लोग, लेकिन शो को तो इसने चुरा लिया, मतलब शो इसके मतलब बहुत अच्छा एक्ट किया, इसकी तारीफ हुई, जिसको हम सिनोश्योर भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बहुत तारीफ हुई है। कपिल, ब्रिंग होम द बेकॉन, वो अलग वर्ड है। स्टील द शो का मतलब है शो की जान, उसने शो को चुरा लिया, अपने अंडर कर लिया, मतलब उसकी बहुत तारीफ हुई। कल मेंस का बैच है, ठीक है, मेंस के बैच में मैं ये बोलूंगी ना, जो बच्चा मेरे से प्री नहीं पढ़ा है, नहीं प्री नहीं पढ़ा है, वो नहीं, जो बच्चा कहीं और से भी प्री पढ़ लिया है, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, वही मेंस में आएगा, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया वही मेंस में आएगा, जिसने अभी नहीं पढ़ा है उसको नहीं आने की जरूरत। बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस देख के घबराने लगोगे, हाँ ये तो तारीफ करना है। और होल का मतलब क्या है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, होल है इसमें, होल है मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ लोग होते हैं ना जिसका काम ही होता है पिक होल्स, पिक होल्स का मतलब है कमी निकालना, हमेशा किसी के काम में, इज इन द हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन अदर्स वर्क, हमेशा गलती निकालना। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, हाँ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट भी होता है, लेफ्ट हैंड से कॉम्प्लीमेंट देना, मतलब आप कर तो रहे हो उसकी तारीफ, बट आपके तारीफ के अंदर ना उसकी बुराई छुपी है। ओके, कभी कभी होता है ना, बहुत हंस हंस के किसी की बेइज्जती कर देना, सरकाज्म, ताना मारना, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चल रहा है, उल्टे हाथ से तारीफ करना। इन द फायरिंग लाइन, फायर करना मतलब क्या है, जैसे बॉस ने सबको लाइन से खड़ा कर दिया है, सबको फायर और जॉब से फायर कर रहा है, बॉस लगातार सबको जॉब से फायर कर रहा है, मतलब निंदा हो रही है, उस निंदा हो रही है, फायरिंग लाइन में लाइन से खड़ा कर दिया है, फायर किया जा रहा है। द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, एक होता है ना, एक मुहावरे है, सूप जो होता है चलनी पे हंस रहा है, ये जो पॉट है ये केटल को ब्लैक बोल रहा है, अपने में कमी है और दूसरों को वही कमी गिना रहा है, दूसरे में कमी ढूंढना, हाँ खुद काला है और दूसरे को बोल रहा है केटल, तो क्रिटिसाइजिंग समवन फॉर द, आप उस चीज के लिए दूसरे वालों की मजाक उड़ा रहे हैं ना जो कमी आप में है, पड़ोसी थोड़ी है, पड़ोसी में ये फिट नहीं हो। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वैसे ही टाइप का है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि इस बैच में ना, इस बैच को मेरे पास क्या बोलूं मैं,
ये बैच थोड़ा लंबा जाएगा ही, क्योंकि ना इसमें बहुत ज्यादा टाइम खत्म हो जा रहा है जल्दी। हाँ, पढ़ते पढ़ते इतने सारे वो कैप्स पढ़ते पढ़ते देखो 27 हो गया। रोज कर दू ना, अगर मैं इस बैच को रोज कर दू तो मीन्स कहाँ जाएगा। नहीं, गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड अलग होता है। गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है किसी को डांटना फटकारना, निंदा करना, डांटना फटकारने में डिफरेंस है। डेली होना चाहिए, मीन्स को रात में ले लीजिए। अच्छा, बट ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन मत लो। मीन्स वाले बच्चों को तो इतना प्री में प्रैक्टिस करवा दिया है ना, ठीक है, मीन्स वाले बच्चों को इतना प्री में प्रैक्टिस करवा दिया है। तो पहले तो मुझे बताओ, इसमें से एक स्टूडेंट थे, शायद सुरभि थे या एक दो स्टूडेंट थे, वो बोल रहे मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना है। तो मुझे बताओ कि कुछ समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया है और क्या करना है? समझ में आ रहा है आज हमने क्या क्या किया? किसी को तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमने आज किया क्या। 1.5 घंटे हम क्या कर रहे थे? हम पहले वर्ड को रूट वर्ड से शुरू किए, ठीक है, रूट वर्ड में भी उस वर्ड को मैंने रूट से सिखाया और उससे रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ सकते हैं, हो जाएगा। हाँ, नहीं समझ में आया, मैं समझ गई हूँ ना, ये सब क्या है, ये कलमू ही है, क्या है, कलमू ही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, पवन सर की गाड़ी का क्रिटिसिज्म हो रहा है, टायरेड, इसको याद करने का टेक्निक बता रही हूँ। टायरेड का मतलब है निंदा। अब कैसे याद रहेगा? निंदा करके जाओगे तो निंदा तो ऑप्शन में आएगा नहीं, इंग्लिश में ऑप्शन आएगा उसके घर में रेड पड़ा, उसकी निंदा हुई, जर्मी आड़ी, सब याद करने का तरीका है। तो कल ना, आज तो टाइम खत्म है, और परसों जब आओगे ना तो पहले तो क्लास स्टार्ट होने से, समुद्र मंथन बैच इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि बार बार इसमें रिवाइज करवाया गया है। जब आप परसों मुझसे मिलोगे ना, तो पहला 10 मिनट मैं बार बार आपसे चीजों को पूछूंगी, जो मैं रूट वर्ड एक पढ़ाया है वो रट लेना एकदम। और जो आज मैंने, आज आप खुद देख रहे हो, आपने एक ही वर्ड किया प्लॉडेड, बट आपने एक वर्ड में करीब 30-40 वर्ड कर लिया, एक वर्ड में 30-40 वर्ड कर लिया, ठीक है। और अब थोड़ा सा आपको मेहनत क्या करना है ना, मैं चाह रही हूँ कि समुद्र मंथन रूट वर्ड और फ्रेजल वर्ब को मैं एक साथ चलाऊं। फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा परेशान करता है, और आप लोग थोड़ा सा अपने साइड से मेहनत करके ना, इडियम्स का मैं शीट दे दूंगी, तो इडियम्स तो अपने भी रट सकते हो। ओके, जहां जहां प्रॉब्लम है ना उसको क्लास में करवाया जाए, इडियम्स तो अपने भी रट लोगे, आंसर वेंसर दे दूंगी इडियम्स। वैसे इडियम्स का भी अलग से बैच है, लेकिन इडियम्स के बैच में क्यों करोगे? जितना टाइम बैच में करने लगेगा ना, उससे आधा से अधिक टाइम, मतलब कम टाइम में आप अपने से कर लो, ठीक है। चलो एंड करते हैं, कल तो मेंस का बैच है, हम रट्टा मार लेना है, मिलते हैं, चलो, थैंक यू अगला।